हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है, सोशल साइंसेस। सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, शुरू करते हैं सोशल साइंसेस की स्टडी पहले चैप्टर से। बट उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आपको नंबर याद रखने का तरीका जरूर आना चाहिए, और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा, टेक्निक नहीं सीखी, तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी तुरंत ये वीडियो पॉज करके वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। दोस्तों, जब तक आप नंबर्स और डेट को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, सोशल साइंसेस आपको तकलीफ देता रहेगा। तो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है आपका नेशन या कंट्री कौन सा है? हाँ, आप कहोगे डेफिनेटली हमें तो पता है, बट ये कौन सा सवाल हुआ? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमेशा से ही ऐसे ही था कि हर जगह पे देश हुआ करते थे, कंट्रीज या नेशंस हुआ करती थी? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप गलत हो, और आपको लगता है नहीं, तो आप एकदम सही हो। दोस्तों, आज जो आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, जो कंट्रीज देख रहे हो, जो डिफाइंड नेशनलिज्म देख रहे हो, जिसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, साथ में ही जो भी आप कंट्रीज देख रहे हो, ये पहले ऐसे नहीं था। आज से सिर्फ 200 साल पहले, करीब करीब 1820-1850 के दरमियान, वहां पे नेशंस नहीं हुआ करते थे, इस तरह के कई सिस्टम नहीं हुआ करती थी। उस वक्त राजाओं का राज हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था। और धीरे 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 जैसे बातें आगे बढ़ी, कॉमन या यूनिफॉर्मिटी आने लगी, लोग साथ में जुड़ने लगे, तब जाके आज की बहुत सारी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज का उदय हुआ। और ऐसी ही एक डेमोक्रेसी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और ट्रेंड्स बदल दिए, जिसकी शुरुआत हुई, और उसे हम कहते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम उसे? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और हम हमारे स्टडी की शुरुआत भी करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते हुए।